कहानी की शुरुआत में जंगल के बीचों बीच हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं में सबसे आगे जिबारो होता है। इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब ये जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ जिबारो अपने घोड़े को पेड़ के साथ बांध कर पास की ही झील में पानी पीने के लिए जाता है। जब वो झील के पास पहुँचता है तो वो देखता है पानी के अंदर सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है। इसे देख कर वो हैरान हो जाता है। वैसे भी इन सोल्जर इन योद्धाओं का यही काम होता है, ये दूसरे राज्यों को लूटते हैं, लेकिन जिबारो को पता नहीं होता कि पानी के अंदर से उसे कोई देख रहा है। जिबारो वहाँ से जाने लगता है, उसे महसूस होता है कि उसे पीछे से कोई देख रहा है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके जाने के बाद पानी के अंदर से एक गोल्डन लेडी निकलती है जिसका नाम सायरन है। सायरन अब अजीब से डांस करना शुरू कर देती है। डांस करने के बाद वो जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर यहाँ आसपास जितने भी सोल्जर होते हैं वो सब के सब उसकी तरफ पीछे चले जाते हैं। दरअसल उसकी आवाज से हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया था। जब वो सायरन को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। उसे पाने की होड़ में जब वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे की तलवार से इनकी मृत्यु हो जाती है और जितने भी सोल्जर बचते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। इस तरह से सायरन की चीख की आवाज से यहाँ पर सबके सब मारे जाते हैं। सिर्फ एक ही योद्धा बचता है और वो होता है जिबारो। सायरन जिबारो को देखती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक डेफ है, यानी कि उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। और ये देखकर सायरन हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी मैजिकल आवाज से बच नहीं पाया, लेकिन इसकी मैजिकल आवाज का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसे लगता है शायद इसका मैजिक जिबारो के ऊपर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो पानी के अंदर चली जाती है। जिबारो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सभी साथी मारे गए थे, लेकिन सायरन एक बार फिर से पानी से बाहर आती है और वो जिबारो को देखती है। दरअसल जिबारो की तरफ अब वो अट्रैक्ट हो रही थी। उसे लगता है उसके अंदर कोई खास बात है, इसीलिए उसकी आवाज का उसके मैजिक पर कोई असर नहीं हुआ है। जिबारो अपना घोड़ा लेकर इस जगह से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकरा कर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और वो अपना सफर पैदल ही तय करना शुरू करता है। चलते चलते वो बहुत थक गया था, इसीलिए नदी के किनारे वो सो जाता है। जब रात को वो सो रहा होता है तो वहाँ पर सायरन आती है जो उसे पाने के लिए जानने के लिए बहुत उत्सुक है। वो उसके आस पास डांस करती है, लेकिन जिबारो जो एक डेफ है वो सुन नहीं सकता, इसीलिए उसे सायरन की प्रजन के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब सायरन उसी के पास सो जाती है। अगले सुबह जिबारो की नींद खुलती है तो अपने आसपास सायरन को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है, इसमें हीरे मोती जड़े होते हैं जो दुनिया के सबसे बेशकीमती चीज होते हैं। तभी सायरन की आँख खुल जाती है और वहाँ से भागने लगती है। जिबारो जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है क्योंकि सायरन की बॉडी की एक लेयर सोने की बनी हुई होती है। हालांकि जिबारो को समझ आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। साथ ही जब उसका हाथ कटता है तो खून भी निकलता है जो इस बात का संकेत होता है इस रिश्ते से सिर्फ ही नुकसान और मौत है। लेकिन जिबारो की आंखों में सोने हीरे जवाहरातों को लालच आ जाता है और उसी लालच के चलते वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इधर सायरन भी लगातार नदी के बहते हुए पानी के साथ डांस कर रही होती है और नदी के किनारे आकर सोल्जर अपनी तलवार को नीचे रख देता है। सायरन भी उसे देखती है और उसकी आंखों में उसे पानी की ललक होती है क्योंकि वो पहला एक इंसान था जो उसकी आवाज से जिंदा है। अब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं जिसके बाद ये किस करते हैं और जिबारो के होंठों से खून निकलने लगता है जो इस बात का संकेत होता है ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन जिबारो अपने सोने हीरे मोती के जवाहरात के लालच को पूरा करना चाहता है जबकि सायरन अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। ये दोनों ही एक दूसरे के करीब इसीलिए आए हैं क्योंकि इन दोनों के मन में अपने अपने लिए लालच है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते और अब जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो जिबारो सायरन के ऊपर अपने सिर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सायरन की बॉडी से उसके सभी ज्वेलरी जो कि बेशकीमती है साथ ही उसकी स्किन जो कि सोने की है उसे भी निकाल देता है और उसे निकालते हुए सायरन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। पर जिबारो को उसकी चोट से उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने लालच को पूरा करना चाहता है। उसके शरीर से सोने का एक कतरा निकालने के बाद उसे नदी में फेंक देता है और वहाँ से उस सोने को लेकर भाग जाता है। लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है जिसे उठाने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर का लालच कहता है उसे सोना लेकर यहाँ से जाना है जबकि वो जानता है कि जंगल से निकल पाना इतना आसान नहीं है। वही हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है जो बहते हुए अपने तालाब तक पहुँच जाती है जिसके बाद खून का एक सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। वही जिबारो बहुत ज्यादा थक गया होता है इसीलिए नदी के किनारे पानी पीता है। इससे सायरन का मैजिकल खून भी होता है और सायरन का मैजिकल खून जब पानी के साथ उसके पेट के अंदर जाता है तो उसके सुनने की शक्ति उसे मिल जाती है। उसने पहली बार आवाजें सुनी होती है इसीलिए वो बहुत
अजीब बिहेव करने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर जल्द ही वो अपने आप को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वहीं सायरन को दिखाया जाता है जो पानी से बाहर आती है, वो अब भी जिंदा होती है। जब वो अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके सुंदर जेवरात जो उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे, जिन पर उसे गुरूर था, वो सब के सब अब जीवारों लेकर जा चुका था और इसी के साथ उसका भ्रम भी टूट जाता है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि जीवारो उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे पता चल गया जीवारो सिर्फ उसके सोने चांदी हीरे जवाहरातों के लिए उसके पास आया था। और वहीं हमें जीवारो को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाती है, और अब जीवारो सुन सकता है, इसीलिए वो उसकी आवाज की तरफ अटैक होने लगता है। वो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। जब सायरन ये देखती है तब वो और जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद जीवारो बड़ी तेजी से घूमता हुआ डांस करता हुआ उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और उसका भी वही हश होता है जो उसके सभी साथियों का हुआ था। पानी के नीचे हमें बहुत सारे स्कल दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है सायरन यहाँ पर हजारों लोगों को मार चुकी है। पर अब सायरन के पास कुछ भी नहीं बचा जो उसके शरीर की सुंदरता थी, जो उसकी ज्वेलरी थी जिस पर उसे गर्व था, अब वो सब कुछ छिन चुका है। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर हर एक इंसान दूसरे इंसान से किसी न किसी लालच किसी न किसी कारण से जुड़ा हुआ है। इस तरह से जीवारो सायरन के पास गया क्योंकि उसका सोना हीरा मोती जवाहरात चाहिए था। वहीं सायरन भी जीवारो के पास इसीलिए गए क्योंकि वो अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते थे। इन दोनों के मन में एक दूसरे का इस्तेमाल करने का लालच था, और बुरे काम का बुरा अंत ही होता है। जिस तरह जीवारो के मन में सोने का लालच था, उसने सोने को तो पा लिया, लेकिन वही सोना उसकी मौत का कारण बना। वहीं सायरन जिसने कई लोगों को मारा था, उसी के एक शिकारी ने उसकी वो हालत कर दी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी सारी ज्वेलरी जिस पर उसे कभी गुरूर हुआ करता था, वो सब कुछ उसे छीन गया। आज की दुनिया में भी इंसान उतने ही क्रूर है जितना कि जीवारो था। उसने सायरन की बॉडी से सोना निकालते हुए उसे बहुत जख्मी किया था, बहुत दर्द पहुंचाया था। आज की दुनिया में इंसान भी अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी दूसरे इंसान को किसी भी तरह की तकलीफ देने से पहले सोचता तक नहीं। यहाँ हमें जीवारो की कहानी एक एनिमेटेड सिंपल कहानी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे हिडन मैसेज दिए गए हैं जिसे देखने पर आपको पता चलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।